एवरीवन, तो CUET PG के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हुआ है, और साथ साथ ये जानेंगे किस किस यूनिवर्सिटी का आपके, अगर हम बात करें, मेरिट लिस्ट जारी हुई है। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है अभी आपका मॉपअप राउंड और स्पॉट राउंड जो है आपके होने वाला है, और होगा आगे चल के, अगर हम बात करें अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो उसका रजिस्ट्रेशन का अपडेट जब आएगा तो इसी चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेगा, जिसमें कि अगर 100 के नीचे आपका मार्क्स है, 50 के नीचे मार्क्स है, तो आपके चांसेस वहाँ पर बन जाएंगे। इफ़ इन केस कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन छूट गया है, वहाँ पर भी आपको चांसेस मिलेगा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड करवाती है, और अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ऐसी और भी न्यूमरस नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी है जो कि आपके मॉपअप एंड स्पॉट राउंड करवाती है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब हम बात करेंगे सारी अपडेट्स की। तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो है सेकंड लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है, तो आप लोग जा कर के इसके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करें ईफ्लू का, आपके जो है मेरिट लिस्ट है फॉर डिफरेंट पीजी प्रोग्राम आपके जारी कर दिया गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो सेकंड मेरिट लिस्ट, वो भी आप आ चुका है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो मेरिट लिस्ट है वो आपके जारी कर दिया गया है, आपकी फोर्थ लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, तो जाकर के इसको भी आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। तो आज ये चार आपके मेरिट लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का डेट जो है एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, इसका जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है आपके, अगर हम बात करें तो 23 अगस्त तक जो है यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी अपडेट रही, ठीक है। और जिसका इसका एडमिशन हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका अभी नहीं हुआ है और अभी फर्दर मेरिट लिस्ट जारी होगी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, जितना मैंने बताया, और अभी भी जो मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं किया उनका भी आ जाएगा, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस पूरी तरीके से रहेंगे। और आप सभी को पता है कट ऑफ लिस्ट धीरे धीरे अब जारी हो रही है, तो उसमें आपको कट ऑफ लो दिख रहा होगा पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो अभी और गिरेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि अभी तक कुछ बच्चों ने आपके जो सीट सिक्योर किया हुआ है कुछ यूनिवर्सिटी में, और जैसे ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का आपके रिजल्ट घोषित होगा, वैसे ही अब बच्चे वहाँ की सीट को जब छोड़ेंगे तो फिर से आपको सीट वैकेंट दिखने लगेगी, और उसी के लिए आपके मॉपअप और स्पॉट राउंड, यानी आपके फिर से एक राउंड होगा जिसमें कि आप जाके डायरेक्ट अपना एडमिशन किसी भी मार्क्स पे करवा सकते हैं। तो कभी कभी ये जो मॉपअप और स्पॉट राउंड होता है ये ऑनलाइन फॉर्म में भी होता है, और कभी कभी जाके यूनिवर्सिटी में करवाना पड़ता है, जैसे BBAU ने लास्ट ईयर करा था, ठीक है। तो इसकी अपडेट जो है इसी चैनल पे मिलेगी, बट अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो जुड़े रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अभी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगस्त तक जो है पूरे तरीके से जो रेगुलर सीट है उसके लिए चलेगा, इनकेस की कोई रेगुलर सीट वैकेंट रह जाती है तो सेप्टेम्बर से जो है मॉपअप और स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी अपडेट रही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है बाकी है, और आपको लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ के विषय में भी मैं वहाँ पर बता दूँगी कि आपको वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।